हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वंदना और आज हम बनाने वाले हैं खाजा। जी हाँ, ये नमकीन खाजा है। मीठे खाजा तो आपने बहुत खाए होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 कप मैदा, और इस मैदे को हम ले लेंगे साथ में। मैंने लिया है थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन, और बस इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका जो बना लेते हैं। और इसमें हम घी नहीं यूज़ करें क्योंकि हम बाद में इसमें घी यूज़ करेंगे। और मीठे खाजा आपने खाए होंगे, आज हम नमकीन बना रहे हैं। ये देखिए, बहुत सॉफ्ट सा आटा मैंने इसका गूंथ लिया है। बस इसको अब थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने छोड़ देते हैं और इसके बाद इसका छोटी सी बॉल बना के इसको हम पतला पतला बेल लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने मैदा भी यूज़ कर लिया है इसमें, और इसकी हम चपातियाँ बना लेंगे। देखिए, इस तरह से पतली पतली चपातियाँ हम, और पहले हम इसको बेल के रख लेंगे। ये देखिए कितनी बड़ी हो गई है और कितनी पतली चपाती मैंने इसकी बेल ली है। इस तरह से मैंने इसकी 4-5 चपातियाँ बेल ली हैं, और बस अब इसके ऊपर हम ऑयल अप्लाई करते हैं। जी हाँ, ये ऑयल है जिसको मैं फैला रही हूँ, और ऑयल फैलाने के बाद हम दूसरी चपाती को इसके ऊपर रख देंगे। कोशिश कीजिएगा कि बराबर की चपातियाँ बने, तो बहुत ईजी हो जाएगा इसको बनाना। और बस इसके बाद फिर से हम ऑयल लगाएंगे, फिर से चपाती रखेंगे, फिर से ऑयल लगाएंगे, फिर से चपाती रखेंगे, और लास्ट में भी ऑयल लगा के इसको एक तरफ से फोल्ड करना शुरू करेंगे इस तरह से। देखिए, और पूरी इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और ये बहुत ही कुरकुरी सी बनती है, बहुत ही टेस्टी स्नैक बनता है। बस अब इसको साइड से कट करना शुरू कीजिए, और ये देखिए इसको पीछे से प्रेस कर दीजिए इस तरह से। सारी हम जो है खाजा कट करके बीच में से प्रेस करके रेडी कर लेंगे। और देखिए, इसमें ये जो लेयर्स दिख रही हैं, जब हम तलेंगे तो खुल जाएंगी थोड़ी थोड़ी, और बहुत ही अच्छी लगती हैं ये। देखिए, काटते जाइए और इस तरह से प्रेस करके रख लीजिए। उसके बाद जब ये सारी आप काट चुके हों, प्रेस कर चुके हों, तो बस अब बेलन से थोड़ा सा लंबा लंबा हम इसको बेल लेंगे। देखिए, इस तरह से इसको मैंने पतला पतला बेल लिया है, और ये बहुत ही कुरकुरी और बहुत टेस्टी इवनिंग स्नैक बनता है। आप चाहे तो किसी भी टाइम इसको खा सकते हैं, बहुत कुरकुरे बनते हैं ये। तो इस तरह से मैंने इन सबको थोड़ा थोड़ा बेल लिया है, और अब इसको फ्राई कर लेते हैं। मीडियम पे रखिएगा ऑयल, और बहुत तेज़ गर्म ऑयल में नहीं डालेंगे, नहीं तो एकदम से वो कलर चेंज हो जाता है, लेकिन वो कच्चा रह जाता है, और जो स्नैक्स हैं वो कुरकुरे भी नहीं बनते हैं। देखिए, इस तरह से धीरे धीरे इनका कलर चेंज हो गया है, और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।